ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि साल 2023 बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से भरा हुआ है, जहां पर WTC का फाइनल खेला जाएगा और वहां पर एशिया कप भी खेला जाएगा और वर्ल्ड कप 2023 भी खेला जाएगा। तीन तीन बड़े इवेंट होने वाले हैं और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एशिया कप 2023 की, जो कि ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा और जिसके कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। खुद BCCI ने इसका ऐलान कर दिया है और ये भी लगभग ऐलान हो चुका है कि एशिया कप 2023 जो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए है, उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान। जी हाँ, कौन से 15 सदस्यीय स्क्वाड एशिया कप 2023 ODI फॉर्मेट में जो खेला जाएगा, उसके लिए भारत की स्क्वाड क्या रहेगी, किन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, कौन से खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। हम आपको बताने वाले हैं पूरी की पूरी स्क्वाड 15 सदस्यीय एशिया कप 2023 के लिए। जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया के अगर किन्हीं 5 इम्पैक्ट प्लेयर का नाम आप लिखना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में इतना जरूर लिखना कि कौन से 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के की फ्रेम रहेंगे, यानी कि इर्द गिर्द टीम इंडिया रहने वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एशिया कप तो सर पर आ चुका है और एशिया कप से पहले एक ही सीरीज है और उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कब का हो चुका है, मतलब साफ है कि टीम इंडिया किस स्क्वाड के साथ में एशिया कप में जाने वाली है। 15 सदस्यीय स्क्वाड, वो भी कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है और उसी के बारे में हम आपको बतानेंगे और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की क्या स्क्वाड रहेगी और उसके लिए की फ्रेम यहीं से तैयार होगी। इसलिए जरूरी है इन 15 सदस्यों के नाम जानना आपके लिए कि किन 15 खिलाड़ियों पर फिलहाल भरोसा जताया जा रहा है और उनको देखकर यही लगता है कि ये स्क्वाड रहेगी। चलिए एक एक करके जानते हैं 15 सदस्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पेयर में, तो कप्तान रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से मशहूर है, वनडे फॉर्मेट के बादशाह है, दोहरे शतक लगाने वाले ये बहुत ज्यादा खिलाड़ी है। रोहित शर्मा अपने अटैकिंग फॉर्म से हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं, हाल ही में ये फॉर्म में भी नजर आए हैं। भारतीय घरेलू सरजमी पर ये और भी खतरनाक होते हैं, लेकिन चूंकि एशिया कप खेला जाएगा UAE के मैदानों पर, इंडिया के सारे मैच वहीं पर होंगे, तो उस लिहाज से भी ये वहां पर खतरनाक फॉर्म दिखा सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल दिखाना होगा, टीम इंडिया को आगे बढ़ाना होगा। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का आएगा। शुभमन गिल भी कमाल के खिलाड़ी हैं और वनडे फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। भारत के सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। बैटिंग एवरेज तो जनाब का देखिए 70 के आसपास है, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इनकी ओपनिंग पेयर में प्लेइंग 11 में भी जगह पक्की है स्क्वाड में, तो क्या शुभमन गिल भारत का नया उभरता हुआ खिलाड़ी है। इनके साथ में नाम ईशान किशन का भी आता है। बतौर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन टीम इंडिया की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। हाल ही में वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाया था, हालांकि उसके बाद इन्हें मौके नहीं मिले और जहां दो मौके मिले भी तो वहां पर इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन किया भी नहीं। ईशान किशन बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है और खास तौर पर लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन के लिए और भी खतरनाक हो जाते हैं। छोटे हैं लेकिन धमाका बहुत बड़ा है इनका, बल्लेबाजी में गहराई देंगे आपको, आपके बैकअप ओपनर के तौर पर भी और अगर जरूरत पड़ी तो आप फिनिशर विकेट कीपर के तौर पर भी इन्हें खिलवा सकते हैं, इसीलिए ये स्क्वाड में अपना नाम देते हैं। अब बात करते हैं मिडल ऑर्डर की, तो नाम विराट कोहली का इस लिस्ट में सबसे आगे आता है। विराट नाम से भी है और काम से भी है। विराट ODI फॉर्मेट के बादशाह हैं। विराट ODI फॉर्मेट के नहीं बल्कि क्रिकेट के बादशाह हैं। किंग कोहली के नाम से ये खिलाड़ी मशहूर है। ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। खैर ODI की बात की जाए तो इन्होंने हाल ही में लगातार शतक लगाए हैं और शतक लगाकर अपनी फॉर्म की वापसी का इजहार जग जाहिर कर दिया है। विराट कोहली कमाल के खिलाड़ी है और अपने बल्ले से हर किसी को प्रभावित करना जानते हैं। विराट कोहली के ऊपर रहेगा टीम इंडिया का सबसे बड़ा दारमदार। इनके साथ में मिडिल ऑर्डर में नाम श्रेयस अय्यर का भी आएगा। श्रेयस अय्यर ने वनडे फॉर्मेट में पिछले कुछ समय से जरूरत पड़ने पर वो पारियां खेलकर दिखाई है, जो उनके लिए टीम इंडिया में जगह पक्की कर देती है। टीम इंडिया के स्क्वाड में श्रेयस अय्यर बहुत ही कमाल के खिलाड़ी बनेंगे। ये जरूरत पड़ने पर मीडिया के लिए अटैकिंग फॉर्म दिखा सकते हैं, तो आपको जरूरत पड़ने पर ये डिफेंसिव होकर भी खेल सकते हैं। पारी को बिल्ड करना चाहते हैं, टीम इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्राइक रेट को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना चाहता है, छक्के लगाना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है। टीम इंडिया के लिए उभरता हुआ नया सितारा है और आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। मिडिल ऑर्डर के अंदर बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। इनके साथ में नाम सूर्य कुमार यादव का भी दिया गया है। सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी बहुत ज्यादा भरोसा जताया गया है पिछले कुछ समय
समय से और खास तौर पर देखेंगे तो वनडे फॉर्मेट में पिछले कुछ समय से ये लगातार खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव खैर T20 फॉर्मेट में ये दिखा दिया है कि क्रिकेट की दुनिया में वो क्या कर सकते हैं। पहले T20 में उन्हें मौका नहीं मिला और जब मिला तो T20 के नंबर वन बल्लेबाज बने। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वनडे में मौका ना मिले लेकिन वनडे फॉर्मेट के भी ये बल्लेबाज बने, और होगा अगर सूर्य कुमार यादव को लगातार मौके मिले तो ये खिलाड़ी करके दिखाएगा। लेकिन भारत के अगर एशिया कप स्क्वाड में देखें तो इनका नाम पक्का है। एशिया कप में इन्हें अपने बल्लेबाजी के हुनर से हर किसी को हैरान करना होगा। प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं वो तो देखा जाएगा, लेकिन स्क्वाड में इनका नाम तय है, स्क्वाड में ये खेलते हुए दिखाई देंगे। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो एक और नाम आता है और वो है संजू सैमसन। जी हाँ, एक ऐसे खिलाड़ी जो लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी नजरअंदाज किए गए। लेकिन ये तस्वीर भी साफ है कि संजू सैमसन आपको एशिया कप जैसे स्क्वाड में नजर आने वाले हैं, और अगर केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब फॉर्म दिखाते हैं तो वो वहां से बाहर होंगे और उसकी जगह पर संजू सैमसन शामिल होंगे, क्योंकि संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए अच्छी खासी फिनिशिंग की भूमिका निभा सकते हैं। धोनी वाला रोल संजू निभा सकते हैं ऐसा हमारा मानना है, इसलिए संजू सैमसन टीम इंडिया के स्क्वाड में अपनी जगह तो बना ही लेते हैं। संजू सैमसन कमाल के खिलाड़ी है ही, लेकिन देखना होगा क्या संजू या केएल राहुल, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को कप्तान रोहित शर्मा को पिक करना होगा। और केएल राहुल पिछले कुछ समय से फॉर्म में नहीं और खास तौर पर बड़े प्लेटफॉर्म पर हमेशा से ही फुस हुए हैं, और विकेट कीपिंग इतनी ज्यादा करते भी नहीं है, फिनिशिंग की भूमिका इतना ज्यादा निभाई भी नहीं है, इससे अच्छा आप संजू के साथ में जाइए। तो ये रहेगी यहां पर एक लड़ाई संजू या केएल राहुल के बीच में। लेकिन अब बात करते हैं आप कुछ ऑलराउंड पैकेज की, तो ऑलराउंड पैकेज में सबसे पहला नाम कप्तान हार्दिक पांड्या का भी आता है। जो ये कप्तान इसीलिए क्योंकि T20 के कप्तान है और ODI के आने वाले कप्तान होंगे, इसीलिए भी हम इसे कप्तान कह रहे हैं कि गुजरात टाइटंस में अपने कप्तानी से हर किसी को प्रभावित किया है। ODI फॉर्मेट में जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं और बहुत ही कमाल का खेल दिखाते हैं, इसलिए हार्दिक पांड्या जो टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑलराउंडर बनकर आ रहे हैं, कप्तानी से प्रभावित कर रहे हैं, एक बढ़िया ऑलराउंडर के तौर पर होंगे। इनके साथ में नाम रविंद्र जडेजा का आएगा। खैर इन्हें तो 3D प्लेयर कहा जाता है, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग कहीं पर भी डाल दो ये खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन करता है, बहुत ही लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और रविंद्र जडेजा, जी हाँ नाम ही काफी है, इस वनडे फॉर्मेट में इनका रुतबा ही अलग है। टीम इंडिया के लिए लेफ्ट आर्म्स स्पिनर के तौर पर देखें या लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर देखें, ये कमाल के हैं। इनके साथ में नाम अक्षर पटेल का भी दे दीजिए, अक्षर पटेल भी टीम इंडिया के लिए बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है और बैटिंग में गहराई प्रदान करते हैं। अक्षर पटेल भारतीय पिचों पर किस तरह की स्पिन डिपार्टमेंट में भूमिका निभाते हैं वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन UAE के मैदानों पर ये उतने ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए अक्षर पटेल का भी खेलना तय माना जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं गेंदबाजी यूनिट के बारे में, तो चूंकि आपके पास रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे दो स्पिनर पहले से ही मौजूद हैं तो यहां पर कुलदीप यादव को मौका मिलेगा और एकमात्र स्पिनर होंगे जो ये टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह बनाएंगे। कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज के नाम से मशहूर है और क्या कर सकते हैं शायद ये आपको बताने की जरूरत नहीं, इनकी गेंदों को पटवारना इतना भी आसान नहीं, इसलिए कुलदीप यादव भारत की इस टीम में जगह बनाते हैं। अब बात करते हैं चार तेज गेंदबाजों की, क्योंकि पांचवा गेंदबाज तो आपके पास हार्दिक पांड्या है, तो अब ऐसे में चार तेज गेंदबाज भारत के स्क्वाड में शामिल होंगे। कौन से हैं वो चार तेज गेंदबाज, चलिए जानते हैं। सबसे पहला नाम अगर जसप्रीत बुमराह फिट होते हैं तो जसप्रीत बुमराह का आएगा। इनके साथ में नाम मोहम्मद शमी का आ जाता है। टीम इंडिया के पास एक्सपीरियंस को अगर छलका देना है तो मोहम्मद शमी को आप बाहर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। उनके साथ में जब सिराज का तड़का लगता है तो टीम इंडिया और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मान के देखिए, ये तीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज मिलेंगे तो क्या गोल खेलेगा, टीम इंडिया सबसे खतरनाक नजर आएंगी। मोहम्मद सिराज ने पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा प्रभावित किया है, टीम इंडिया की तेज आक्रमण गेंदबाजी को संभाल कर रखा है। और इनके साथ में एक और नाम आएगा और वो उमरान मलिक का भी आएगा। उमरान मलिक जब टीम इंडिया के इस स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे तो तेज गेंदबाजी आक्रमण और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और हमारी नजर में हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि भारत की ये 15 सदस्यीय स्क्वाड वर्ल्ड कप 2023 के साथ साथ एशिया कप में भी नजर आएगी हमारे नजर में। आपकी क्या राय?